होगा कि पहले का गांव और 2014 के बाद जब लगभग 9.5 साल हो चुके हैं, अब की अगर परिस्थिति दोनों को देखेंगे तो आपको अंतर मालूम होगा। और ये अंतर केवल आपके गांव में नहीं है, आप पड़ोस पड़ोस के किसी भी गांव में जाए, जिले के किसी गांव में जाए, अगर आप वहां पहले 2014 से पहले गए होंगे और अब आप जाएंगे तो आपको स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसको सोचने के लिए इस तरफ अपने को दिमाग में ले जाना पड़ेगा और 2-4-5 मिनट का समय भी खर्च करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे लगता है विकास मनुष्य के जीवन में एक सतत प्रक्रिया होती है, विकास हो रहा है, सतत होता जा रहा है, तो आपको लगेगा अरे अभी तो क्या है, ये क्या है, तो फिर भी करते हैं, हो गया, ऐसे सारी बातों को आप ठंडे बस्ते में डाल दें। लेकिन एक बार आंख बंद करके 2014 से पहले का अपना गांव, आस पड़ोस का गांव, जिले की सड़कें, जिले की बाढ़, जिले की बिजली, वो बिजली का रात दिन का हफ्ता, वो बिजली के घंटे अगर याद करोगे और फिर उसके बाद 9.5 साल बाद आप कहाँ खड़े हो इसका ध्यान करोगे तो आपको अंतर दिखाई देगा। दिखाई देगा कि नहीं अंतर हो।